रणभूमि के सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से। आज हमारे यहां पे लोहित डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ा एक मास सोशल सर्विस कैंपेन किया जा रहा है बाज़ार कमेटी की ओर से। सिर्फ बाज़ार कमेटी ही नहीं, जो हमारे यहां के CBOs है, NGOs है, जैसे कि लोहित ग्रीन फाउंडेशन का जिक्र यहां पे ज़रूरी होता है, क्योंकि लोहित ग्रीन फाउंडेशन जो है ये हमेशा ऐसे सामाजिक कार्यों से हमेशा से जुड़ा रहा है। तेजू में जो कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, उसके बाद जो अमाला है, कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उन्होंने भी आज पार्ट लिया, और साथ ही साथ बापू वेलफेयर सोसाइटी। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तेजू में जो है बहुत ही गंदगी था पहले, तो अभी इस जगह को जो है मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, इसको एक बार दिखा दें। इसको JCB वगैरह लगा करके और वॉलेंटियर्स जो तेजू बाज़ार के जो हमारे लोग हैं, सारे कार्यकर्ता मिलके उनको अच्छी तरह से साफ किया। क्लीनलीनेस है वो हमेशा मेंटेन नहीं रह पाता है। हम ये आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बाज़ार कमेटी के लोग हैं, जो हमारे लोकल MLA हैं कारिको प्री जी, साथ ही ZPM साहब हैं बालोंग तिंदिया जी, बाज़ार सेक्रेटरी पिकासो चाहे, सब मिल कर के, और जो NGO जैसे कि मैंने कहा था लोहित ग्रीन फाउंडेशन का जिक्र यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो भी ऐसा सामाजिक कोई भी काम होता है तो लोहित ग्रीन फाउंडेशन, बापू वेलफेयर सोसाइटी जो हमेशा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। और यहाँ पे दोस्तों एक जिक्र ज़रूरी होता है डूडा का, जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है, गाड़ियाँ उनकी ओर से चलाई जाती है बेशक, वो समय समय पे आके गार्बेज कलेक्ट करती हैं, पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। 21-24 का जो बाज़ार सेक्रेटरी का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जाकर के आज जो देखने में आया है तेजू टाउनशिप में बहुत बड़ा एक मास सोशल सर्विस किया गया। हमारे साथ अभी के बाज़ार सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे हम जानते हैं इस मास सोशल सर्विस के बारे में। सर वेलकम टू अरुणभूमि। क्यों तो आज का जो सर इतना बड़ा स्केल में हम लोग आज देख रहे हैं ये सोशल सर्विस हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए। सिंस हमारा ये नया कमेटी फॉर्म होने के बाद में, तो हम लोगों ने बाज़ार में एक सर्वे किया था, कमेटी लोगों ने, हम लोग ने देखा कि बाज़ार में साफ सफाई का काफ़ी इशू है। बहुत जगह में देखा आपका गांधी चौक डेली बाज़ार से लेके, और हमारा जो लोअर मार्केट हो गया जिसे हम पिंकी मार्केट कहते हैं, यहाँ पे साफ सफाई को लेकर काफ़ी इशूज़ देखा। सो बाज़ार कमेटी ने इन कोलाबोरेशन विद लोहित ग्रीन फाउंडेशन, उसके बाद में हमारा बापू वेलफेयर सोसाइटी और आमला ग्रुप के साथ मिलकर हम डिसाइड किया कि बाज़ार में एक साफ सफाई का अभियान करेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत होता है। और इस नोबल कोज को सपोर्ट किया है हमारे लोकल MLA तेजू सुनपुरा के श्री कारिको क्री जी ने, और हमारे सपोर्ट किया है हमारे तेजू के ZPM श्री बालोंग तिंदिया जी ने भी, और साथ में हमारे एक सीनियर लीडर है जो तेजू टाउनशिप के श्री सुताई क्री जी भी, और उन्हीं की तरह बहुत सारे जो सीनियर मेंबर्स है, शॉप ओनर्स है, शॉपकीपर्स है, उन्होंने भी इस नोबल कोज को काफ़ी सपोर्ट दिया है। सर ये जो बाज़ार का जो साफ सफाई अभियान चल रहा है, इसमें सर शॉपकीपर्स का पार्टिसिपेशन कैसा है? सर शॉपकीपर्स काफ़ी खुश है, बहुत दिन से देख रहे थे कि साफ सफाई को लेके मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इग्नोरेंस काफ़ी था, तो शॉपकीपर भी काफ़ी खुश होके फ्रंट में आके आए, झाड़ू लेके, कोई बेलचा लेके आए, साफ सफाई किया। आप देख सकते हैं, आप था वहाँ पे गांधी मार्ग में जैसा हुआ, तो उत्सुकता का काफ़ी अच्छा था उनका। सर देखा जाता है साफ सफाई तो हो जाता है चलिए एक बार, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो बाज़ार कमेटी कैसे डिसाइड करेगी कि ये जो क्लीनलीनेस है ये हमेशा ऐसे बरकरार रहे, उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे? उस चीज़ को लेके हम लोग MLA साहब से रिक्वेस्ट किया है कि डूडा को यहाँ पे गाड़ी जो है परमानेंट बेसिस में हम लोग को चाहिए, सिर्फ बाज़ार कमेटी को लेके, सिर्फ बाज़ार के लिए, ताकि मतलब डेली एक होगा कि कचरा गाड़ी आएगा, कचरा उठा के जाएगा, पहले रेगुलर बेसिस में आने के लिए मैंने
श्री एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ में ज़रूर साथ देंगे वो। ये भी देखा जाता है सर, जो बाहर से जैसे मार्केटिंग करने लोग आते हैं या बाथरूम टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम होता जी, है जी, उसको आप लोग ध्यान में रख रहे हैं क्या सर? जी उसको बिल्कुल ध्यान में रख रहे हैं। उस चीज़ को ले भी हमारा बात हुआ हमारे तेजू सुनपुरा के हमारे एमएलए साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोअर मार्केट में एक जो जेंट्स और फीमेल टॉयलेट एक बहुत जल्द बनाया जाएगा, अपर मार्केट में डेली बाजार एरिया में भी वो बनाया जाएगा। और हम लोगों ने बात किया है टाउन ब्यूटिफिकेशन को लेके भी बात किया है, जैसे कि आप यहाँ पीछे या क्लॉक टावर में देख रहे हैं, यहाँ में बैरिकेड नहीं है, बैरिकेड नहीं होने के कारण जानवर लोग घुस जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी गंदगी होती है, तो बैरिकेड लेके बात किया। और टाउन ब्यूटिफिकेशन को लेके हम लोगों ने जो आपका डिवाइडर है आप मेन मार्केट में वहाँ पे प्लांटेशन का भी बात किया, गांधी मार्केट में भी हम गांधी मार्केट एरिया प्लांटेशन का बात किया है, तो वो सब चीज़ को लेकर सर से बात किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात करेंगे हमारे लोकल जो विधायक है कारिको पीजी, और जानते हैं इस सफाई अभियान के बारे में। सर वेलकम टू अरुणभूमि। सर आज का जो ये अभियान चल रहा है सर, काफ़ी जोश के साथ में सब लोग उतरे हैं सर मैदान में, एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव सर आप क्या कहेंगे तेजू का सफाई को लेकर के और आज का जो ये अभियान चल रहा है उसको लेकर के? सबसे पहले मैं न्यूली सेलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनका टीम मेंबर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आफ्टर लॉन्ग गैप मास सोशल सर्विस हुआ है। इसमें तेजू के सीनियर लीडर्स हमारा भाई साहब सुताई भैया ने, हमारा मामा जी रेंगसपुर, और यहाँ में जो तेजू के जेड पी एम बालोंग टिंडिया जी और तमाम हमारे जो एन जी ओ सी बी ओस ने साथ दिया है, तो तेजू का बाजार जो दुकानदार है बिजनेस कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के मदद किया है, तो बहुत अच्छा से काम होगा यहाँ में। अभी मैं अब ये सेक्रेटरी साहब से इंटरेक्शन कर रहा था, यहाँ में टॉयलेट का प्रॉब्लम है, इसका हम लोग जल्द से जल्द हम लोग काम करेंगे। उसके बाद में ये डिवाइडर्स में ब्यूटिफिकेशन का काम, प्लांटेशन और फ्लावरिंग का काम हम लोग करेंगे। उसका गांधी चौक में उसको पूरा आज देख करके बहुत दुख लगा कि इतना कचरा भरा हुआ बोतल है उधर में, दुनिया भर का गोबर भरा हुआ है, इसको हम लोग ठीक करेंगे। और यहाँ नाला जितना नाला ब्लॉकेज है, और यहाँ में जो वीकली मंथली जो भी सोशल सर्विस करना, मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तेजू बाजार कमेटी वाले से मैं अनुरोध करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलकर के, और यहाँ का जितना भी सी बी ओ से एन जी ओ जो इंटरेस्ट लेता है उनसे मिलकर के तेजू को साफ सुथरा, और यहाँ में हमेशा जो एक्सीडेंट होता है और जो भी यहाँ में दुर्घटना घटता है उनको कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एज ए एम एल ए एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं मेरे तरफ से तन मन धन सब तरफ से हम मदद करेंगे, और तेजू बाजार को आगे ले जाना है, ये हमारा पहचान है। मैं तेजू बाजार से ही बड़ा हुआ हूँ और तेजू बाजार के रिप्रेजेंटेटिव की मैं एक नंबर हूँ यहाँ से, तो तेजू के लिए बहुत काम करेंगे। और यहाँ हम लोग वीकली मार्केट के बारे में और ये बुधवार मार्केट संडे मार्केट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसके लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग डी सी साहब से बात करके हम लोग इसको ठीक करेंगे। सर एक सवाल और रहेगा सर, देखा जाता है डूडा जो है सर, गाड़ियाँ तो उनका चलता है ये साफ सफाई करने के लिए, कहीं ना कहीं सर लगता है कि तालमेल कहीं नहीं हो पा रहा है क्या बाजार कमेटी के साथ या बाजार के साथ में, क्या लगता है सर थोड़ा प्रॉब्लम है ना नहीं है सर इसमें? हाँ, ये आज का जो सोशल सर्विस हम लोग देख करके तो लग रहा है कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इन बिटवीन दी बाजार कमेटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये डूडा के बीच में। हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट वाला काम करेगा लेकिन हम लोग का तरफ से उनको अप्रोच करना पड़ेगा, टाइमिंग सही होना पड़ेगा और अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ये साफ सुथरा जो है दिल्ली बाजार सेक्रेटरी प्रेसिडेंट या शॉप ओनर्स नहीं करेगा, ये वन कैन अवेयरनेस है, तो इसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट के साथ में बढ़िया से टाइमिंग मिलाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम लोग टाइमिंग मिलाना पड़ेगा, उनसे हम लोग मदद मांगना पड़ेगा। तो हमको बहुत माने उम्मीद है डिपार्टमेंट वाला भी मदद करेगा, हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे, और डिपार्टमेंट को भी हम लोग अगर बाजार में जो गाड़ी प्रोवाइड करता है तो बाजार कमेटी की तरफ से एक ड्राइवर ना फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मंथली पेमेंट बाजार कमेटी देंगे, हम लोग बीआर करने के लिए रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।